सेवन शरीफ की गलियां। लंगर खाना। देयर यू गो। यहाँ पे वादा पूरा किया आपने? वादा तो मस्जिद जाने का है। वो तो है। जी सेवन शरीफ हम पहुंच गए। ये देख रहे हैं आप गुंबद, और ये जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है बिल्कुल उसके सामने ये हमें नजर आ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये यहाँ का बाजार है, बिल्कुल सेवन शरीफ के मज़ार से बाहर आप निकलते हैं एंट्रेंस के ऊपर। ये इस तरह से यहाँ पर लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। किसी के बाजार पर चले जाएं आपको इस तरह की चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं। ये देख रहे हैं आप बच्चों के खिलौने, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, खाने पीने की अशिया, ये चादरें जो दरबारों के ऊपर डाली जाती हैं। ये देखिए, ये देखिए जी, ये एंट्रेंस है। ये जो हम लोगों का क्या कहते हैं So Shiraz promised that he will bring me here, and finally he has fulfilled his promise. It's beautiful. Another promise delivered, huh? Alhamdulillah. Look at the alam, so big and huge. We'll just have a circle. We'll just have a round, making a video, and then we'll stand here. We'll sit here for a बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हम लाल शाहबाज कलंदर सेवन शरीफ के मज़ार पे यहाँ पर मौजूद हैं और सलाम करने के लिए आए हैं।
ये वो जगह हैं, ये वो उस उन हस्तियों की रूहानी शख्सियात की ऐसे मकामात हैं, आरामगाहें हैं, जहाँ पर अल्लाह अल्लाह के रसूल और आल व औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा हर लम्हा जारी व सारी रहा। ये वो शख्सियात हैं, ये वो मीनारे नूर हैं कि जिन्होंने हर लम्हा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की याद में गुजारा, लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारा। इनके वजूद जो थे वो लोगों के लिए आसानियों का बायस थे, ये इनके वजूद जो थे वो नूरानी वजूद थे। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की तालीमात, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की याद हर वक्त इन तमाम चीज़ों में महव रहते थे। और आप सोचें कि इन अरवाह की जो रूहें हैं ये परवाज़ कर चुकी हैं, मगर इनके अजसाम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो इन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर नेक आमाल किए हैं, जो लोगों को आसानियाँ दी हैं, जो ज़िक्र व अज़कार किए हैं, उनकी रहमतें और बरकतें आप ये देखिए कि आज तक लोग उससे फैज़ याब होते हैं। इन जगहों से लेने की ज़रूरत वो किरदार है, वो फ़िक्र है, वो सोच है, वो आसानी है जो इन्होंने भी हासिल की और लोगों को भी दी। और जब हम इन हस्तियों के इन आरामगाहों पे, इन मज़ारों पे ये सोच कर आते हैं, ये नियत लेकर आते हैं कि हम यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे, हम कुछ रूह अपनी रूहों के अंदर तब्दीली लेकर जाएंगे, फिर ना सिर्फ हमारी अरवाह, ना सिर्फ हमारी फ़िक्र, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और फिर हमारा वजूद लोगों के लिए रहमत बन जाता है, हमारा वजूद लोगों के लिए आसानियों का बायस बन जाता है। सो शाजी, हाउ डू यू फील बीइंग हियर? कैसा एक्सपीरियंस है आपका? आई एम हैप्पी टू बी हियर विद यू। आई एम हैप्पी मी न्यू मैरिड बीइंग विद यू गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। और आई एम थैंकफुल टू हिम जिन्होंने ज़ाहिर है यही रिलेशनशिप होता है कि आप एक दूसरे की प्रायोरिटीज़, एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए जो दूसरा अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ लेकर चल रहा होता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और ये भी लेसन हमें इन हस्तियों से मिलता है, एक्सेप्टेंस, तसव्वुफ़, स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे को उस तरह से एक्सेप्ट करो जिस तरह से वो हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटी। सो वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, एंड आई थिंक आई फील सो हैप्पी, आई फील सो ग्रेट। आपको एक अजीब सी यहाँ पर एनर्जी महसूस होती है, वाइब्रेशन महसूस होती है, और बस बैठ के आप कनेक्ट करते हैं अपने रब के साथ और अल्लाह वालों के साथ। मुस्लिम अव्वल शेह मर्दान अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। So everyone, I just want to take a moment and I want to keep you all with us because there's a reason why I'm doing that. I want to take a moment and I want to thank this man who's my husband, sitting right next to me, handsome guy. I want to thank him for doing things that I have asked him to do and the things that I've not even asked him to do, and he does it for me. So I want to thank you. Sevan Sharif Ana, as such maine kaha nahi tha in words, but he knows that I have this love for these saints and Sufi personalities. So he promised me ke mujhe lekar aayenge
और आज उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट. बहुत बहुत शुक्रिया. इट मीन्स अ लॉट टू मी फॉर यू टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स दैट मैटर टू मी. Well, you are welcome, and thank you for underlining, acknowledging. And yes, you're right. Sometimes we do things because we are asked to do. But I always say this, and we will not do things because someone is asking. We public relation pressure नहीं. बिल्कुल, no PR. जिस रिश्ते में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हम काम इसलिए करेंगे कोई भी क्योंकि they are the right things to do. और Beautiful. So all the men and women out there do things for a right reason. So that's something that we want to share with you. हम लोग सेवन शरीफ से होलिया है और हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद. So stay with us. There's a lot coming up.